वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम आदाब दोस्तों। चलिए बनाते हैं बड़ा मजेदार सा चिकन डाइट रेसिपी में। तो यहाँ पर कोई नाम नहीं है इसका, बड़ा जायकेदार बनता है, हमारा स्टाइल है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया है चिकन ब्रेस्ट, डाइट रेसिपी बन रही है और हमने इस बार लंबे लंबे से पीसेस किया है, जिसे चॉप्सी भी कहते हैं। तो हमने लंबे लंबे से काटा है, थोड़ा सा मसाला जायका सब थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि जो कटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा जो जायका होता है डिपेंड करता है आपकी कटिंग पर भी, मसालों पे तो करता ही है, खाना बनाने के अंदाज पे भी करता है। तो इस तरीके से हमने चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, लंबा लंबा कट कर लिया है, फ्राई पैन हमने रख दिया है, फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल, क्योंकि डाइट रेसिपी है। हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून डालेंगे, 2 वक्त का चिकन बन रहा है, तो 1 सर्विंग के लिए 1 टेबल स्पून और दूसरे सर्विंग के लिए 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसे बटर में भी बना सकते हैं, आप इसे असली घी में भी बना सकते हैं। तो बस अब जल्दी से इसमें हम डाल देंगे चिकन, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है इसे। जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आपको इस पर ब्राउन कलर का शेड दिखेगा, उस वक्त तक हम इसे पका लेंगे। हाई फ्लेम पे पकाना है चिकन ब्रेस्ट है। यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इसे थोड़ा सा साइड में कर देंगे। इस डिश का कोई नाम नहीं है, हम अलग अलग तरीकों से बनाते हैं तो हम वही बता रहे हैं आपको, बड़ा मज़ेदार बनता है। डाल देंगे चॉप्ड हुई प्याज। तो यहाँ पर 1 बड़ी प्याज है चॉप्ड हुई, ये डाल दिया हमने। साथ में हम डाल रहे हैं चॉप्ड हुई हरी मिर्च, 5-6 हरी मिर्च होगी, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और साथ में डाल रहे हैं चॉप किया हुआ लहसुन, काफ़ी सारा लहसुन है, लहसुन बहुत हेल्दी होता है और जायका भी बड़ा प्यारा सा आता है। आजकल तो लोगों को चाइनीज़ खाने बड़े पसंद आते हैं, तो उसमें लहसुन ही लहसुन होता है, तो आपके हिसाब में आप डाल लीजिए। हमने चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन डाला है इसमें। चलिए इसे चला देते हैं। इतना प्यारा सा कलर आ गया है, लहसुन की और हरी मिर्च की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। डाल देते हैं इसमें नमक, कुछ ज़्यादा मसाले इसमें हम डालने वाले नहीं हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा खुशबू रहेगी सब चीज़ों की। 1/2 टीस्पून के करीब नमक, चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, आपके ऊपर है आपको जितना डालना है, हम 1 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं। थोड़ा सा टोमेटो सॉस 1 टीस्पून के करीब, और इस पे जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, घर का कुटा हुआ है, बहुत अच्छा जायका है, 1/2 टीस्पून के करीब। बस एक मिक्स दीजिए, और ये आप जो भी कहें मुझे नहीं पता, मैं इस तरीके से अलग अलग मसालों के साथ बनाती हूँ और बहुत जब मज़ेदार बन जाता है तो फिर वो रेसिपी हम आपको बता देते हैं। तो इसे मिक्स करिए, चिकन ब्रेस्ट जल्दी ही गल जाता है, अभी इस वक्त बिल्कुल जूसी जूसी सा है, तो ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे चपाती से खा लें, आप इसे एज ए स्टार्टर खा लें, या आप इसे राइस के साथ खाएँ, बहुत मज़ेदार बना है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत मज़ा। चलिए ये भी हो गया,
बस इसी तरीके से इसे सर्व कर देंगे हम गर्मा गर्म। आप चाहें तो थोड़ा सा डाल दीजिए, हमें आदत है हरे धनिया डालने की, डाल रहे हैं। वैसे तो आप ना भी डालें तो टेस्टी बना। चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। दोस्तों हमारा एक और नया चैनल है अंजुम मोटिवेशन के नाम से, उसे भी आप सराहिए, उसे भी अपना प्यार दिखाइए ताकि हम आपके साथ हर जगह मिलते रहें। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। खुदा हाफिज़।